Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel. इस वीडियो में हम लोग एक बहुत कॉमन क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं. क्वेश्चन ये रहता है कि एज अ फ्रेशर मैं रेलिवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कैसे शो कर सकता हूँ सो दैट मुझे जॉब मिल पाए. ठीक है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. आए दिन मुझे डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि हम इंडस्ट्री में कैसे ब्रेक इन कर सकते हैं, हम कैसे रेलिवेंट एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं. तो अगर आप सेम सिचुएशन में हो तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिनमें से अगर आप किसी एक टेक्निक को भी सही से फॉलो कर पाते हो तो आपके पास इंडस्ट्री में दिखाने के लिए रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा. ठीक है, लोगों के दिमाग में ये मिथ बैठा हुआ है कि एक्सपीरियंस का मतलब सिर्फ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है. ऐसा नहीं है, और भी कई जगहें हैं जहाँ पर काम करके आप रेलिवेंट एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो. उन्हीं में से कुछ टेक्निक्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो मैं सबसे कॉमन टेक्निक्स से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पर आप इंडस्ट्री रेलिवेंट एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, और फिर हम थोड़े अनकॉमन टेक्निक्स की तरफ मूव करते जाएंगे. तो सबसे पहले सबसे कॉमन टेक्निक, इफ यू आर अ फ्रेशर, वन वे टू गेन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज टू गो थ्रू एन इंटर्नशिप. अब आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो बहुत ही कॉमन बात बोल रहे हो आप, सभी यही बोलते हैं कि इंटर्नशिप कर लो, बट इंटर्नशिप मिलती किसको है, राइट? इंडिया इज सो कम्पिटिटिव, इतने सारे बच्चे हैं कि इंटर्नशिप ला पाना बहुत ही मुश्किल काम है. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं भी शायद आपकी जगह होता तो मेरे लिए आसान नहीं होता इंटर्नशिप गेन कर पाना. बट मुझे फिर भी कुछ एक चीज़ें दिखाई देती हैं जो अगर आप चेंज कर पाओ अपने अप्रोच में तो आप इंटर्नशिप निकाल सकते हो. ठीक है, तो मैं आपको एक पर्सनल इंसाइट देता हूँ. जैसे कि मैं बहुत सारे इंटर्न्स को हायर करता हूँ, लाइक एक साल में प्रोबेबली 10 से 12 इंटर्न्स मैं ही हायर कर लेता हूँ. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने आज तक इंटर्नशाला जैसे प्लेटफॉर्म पे जा करके कभी कोई एप्लीकेशन नहीं डाला. ठीक है, मैं कैसे इंटर्न्स हायर करता हूँ, मैं अपने लोकल सर्कल में इंटर्न्स हायर करता हूँ, विच बेसिकली मीन्स मेरा जो सोशल सर्कल है या मेरा जो प्रोफेशनल सर्कल है उसी के आसपास रह करके मैं इंटर्न्स हायर करता हूँ. सो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इंटर्नशिप का एप्लीकेशन कहाँ पे करते हैं, दे अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंटर्नशाला, राइट, या फिर किसी और जॉब पोर्टल पे. मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे और लोग भी एप्लीकेशन डालते हैं, मतलब एक सिंगल इंटर्नशिप पे हो सकता है 500 लोगों ने अप्लाई किया है, तो वहाँ पर आपको वो इंटर्नशिप मिल पाए उसका प्रोबेबिलिटी बहुत लो हो जाता है. सो एक ऑल्टरनेट अप्रोच आप ये ले सकते हो कि आप अपना लोकल सर्कल थोड़ा बिल्ड करो. इट कुड बी बोथ योर प्रोफेशनल सर्कल, योर सोशल सर्कल, मतलब आप अपना एक ब्रांड बना सकते हो लिंक्डइन पे. आए दिन आप देख रहे होगे कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किसी भी लेवल पे एक कुछ पोस्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं लिंक्डइन पे. इट कुड बी नोट्स, इट कुड बी लिंक्स, किसी भी तरीके से अपना विजिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं लिंक्डइन पे, इन द होप कि धीरे धीरे उनका नेटवर्क ग्रो करेगा, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, कनेक्शंस बढ़ेंगे, एंड इवेंचुअली कोई ऐसा बंदा कनेक्शन में ऐड हो जाएगा जहाँ पर जब वो एक पोस्ट डालेंगे कि आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप, उस बंदे को दिख जाएगा कि यार ये बंदा तो बहुत एक्टिव रहता है डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा में, इसको हम लोग इंटर्नशिप दे सकते हैं. मेरे पिछले 3 इंटर्न्स को मैंने लिंक्डइन से हायर किया, यू वोंट बिलीव इट, और वो ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत एक्टिव रहते थे लिंक्डइन पे और कंटेंट डालते रहते थे. तो मेरा बस कहने का ये मतलब है कि आप घर बैठे बैठे लकी साबित नहीं हो सकते, आपको थोड़ा सा मूवमेंट दिखाना पड़ता है, आपको लोगों को बताना पड़ता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि वो आपको हायर कर सकते हैं. ठीक है, तो बस ये ऑल्टरनेट अप्रोच आपको बताना था. सो या द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज एक्चुअली लुक फॉर एन इंटर्नशिप. 2 से 3 महीनों का इंटर्नशिप करो, किसी अच्छी कंपनी में अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है. आई वुड से कि बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर के डिसीजन मत लेना, काम को लेकर डिसीजन लेना. एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो से कि फ्री में काम मत करना, बिकॉज जनरली जो कंपनीज आपको फ्री में काम करवा रही हैं वो जनरली स्कैम कंपनीज होती हैं. तो या मतलब एक राइट बैलेंस खोज के गेट एन इंटर्नशिप. द इंटर्नशिप कैन एक्चुअली गिव यू गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस. इनफैक्ट मैंने एक डेटा नोटिस किया है, मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, 80% मे बी 90% स्टूडेंट जिन लोगों ने इंटर्नशिप कर रखा होता है उनको जॉब भी आसानी से मिल जाता है. इट इज़ अ कोरिलेशन. ठीक है, तो प्लीज इफ यू कैन ट्राई एंड फोकस टू गेट एन इंटर्नशिप फॉर योर सेल्फ. अगला तरीका,
अगला तरीका है मेरे हिसाब से एकेडमिक प्रोजेक्ट्स बनाना। सो आप जब भी डेटा साइंस पढ़ने निकलोगे आप ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स बनाओगे। प्रोजेक्ट्स बनाना एक बहुत सही अपॉर्चुनिटी है रेलेवेंट एक्सपीरियंस शो करने को लेकर। सो जनरली मैंने क्या प्रॉब्लम देखा है कि जब मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ इंटरव्यूज़ में हेल्प मिलेगा, लोग क्या करते हैं कि वो एक बहुत सिंपलिस्टिक सा प्रोजेक्ट बनाते हैं या बहुत ट्रिवियल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एमनेस्ट वाले डेटा सेट के ऊपर एक हैंड राइटिंग क्लासीफायर बना करके उसको प्रोजेक्ट बुलाते हैं, या फिर एक स्टेप आगे भी अगर जाते हैं तो लेट्स से एक मूवी रिकमेंडर सिस्टम बना लिया। अब माइंड यू दीज आर नॉट इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स, ये स्टूडेंट लेवल प्रोजेक्ट्स है जहां पर आपने कुछ सीखा और उसको आपने कहीं पे इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट्स आए, आपको खुशी मिली, आपने सीखा कुछ, बट इनसे आप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं गेन कर सकते। सो व्हेन आई से एकेडमिक प्रोजेक्ट्स इट बेसिकली मीन्स कि आप एक्चुअली एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो नॉट ओनली बहुत कॉम्प्लेक्स हो बट एट द सेम टाइम आप जब उसको बनाते हो तो आप मशीन लर्निंग से रिलेटेड सब कुछ एज इन एवरी स्टेप यू आर एबल टू लर्न, लाइक डेटा कहाँ से आ रहा है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, उस पर कैसे मॉडलिंग करनी है, उसको कैसे डिप्लॉय करना है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक ही प्रोजेक्ट बनाओ बट आप उसको इतने अच्छे से बनाओ और इतनी मेहनत करके बनाओ कि वो आपको एकदम इंडस्ट्री ग्रेट लगने लगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी आप शुरू करो एक थोड़ा सा एम्बिशियस प्रोजेक्ट के साथ शुरू करो, टेक अ मून शॉट प्रोजेक्ट, लाइक लेट्स से अभी मेरे दिमाग में एक प्रोजेक्ट आ रहा है कि व्हाट इफ हम डीप लर्निंग यूज़ करके एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जहां पर आप जैसे ही कैमरा से किसी कुजीन को स्कैन करते हो, किसी खाने के आइटम को स्कैन करते हो, हमारा वो ऐप क्या करे उस कुजीन का इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी जनरेट कर दे। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट अगर आप इंटरव्यू में बताओगे कि आपने बना रखा है, आई एम श्योर जो इंटरव्यूअर है वो सुनना चाहेगा कि आपने कैसे बनाया। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि आपको इस प्रोजेक्ट को एंड टू एंड बनाना है, मतलब कोशिश करनी है कि इसका डेटा आप कहीं से लेकर के आओ, लेट्स से वेब स्क्रैपिंग करके, आप उसको पूरी तरीके से प्री प्रोसेस करो, आप उसको लेबल करो, आप उसके अंदर जो भी क्लीनिंग का काम है खुद से करो, फिर आप इसके ऊपर मॉडल बिल्डिंग करो और फिर आप ही उसको डिप्लॉय करो। मतलब एक बहुत सही तरीका सोचने का यह है कि आप प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो। प्रोडक्ट क्या होता है, एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और उनका गोल क्या होता है कि वो इतना अच्छा बने कि लोग खरीदना चाहें। तो आपका भी यही तरीका होना चाहिए प्रोजेक्ट बनाने का कि मैं इसको इतना अच्छा बनाऊंगा कि कोई यूज़र जब इसको देखेगा तो उसको यूज़ करने का मन करने लगेगा। तो आपको बस प्रोजेक्ट में मॉडल बिल्ड करके रुक नहीं जाना है, आपको क्या करना है उसको और आगे बढ़ाना है। मतलब यू कैन डिप्लॉय इट, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ वेबसाइट, या फिर लेट्स से आप उसको APIs में कन्वर्ट कर सकते हो सो दैट कोई और कंपनी आपके APIs को यूज़ करके अपना काम निकाल सकती है। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ मोबाइल ऐप, ठीक है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ प्रोजेक्ट अब्स्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप उसको GitHub पे बहुत अच्छे से पब्लिश कर सकते हो, आप उसके इर्द गिर्द ब्लॉगिंग कर सकते हो। मतलब एक सिंपल प्रोजेक्ट को भी अगर आप 6 months बहुत शिद्दत से बनाते हो ना तो आप एक्चुअली बहुत इंडस्ट्री ग्रेड चीज़ें सीखने लगते हो। आप उसका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करो, उसके डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट बनाओ। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। पास्ट में मैंने इसके बारे में बहुत बातचीत की है एंड आई एम एक्चुअली सेइंग नथिंग न्यू, जो मैंने बोला है वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट की तरह मत बनाओ, प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट की तरह बनाओ कि सामने वाला जब उस प्रोजेक्ट को देखे तो तुरंत यूज़र बनने का मन कर जाए उसका। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप माइंड में रखो जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो और जब आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हो। तीसरा तरीका टू गेन रेलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन माय ओपिनियन इज टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस। ठीक है, डेटा साइंस से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। कैगल इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, कैगल पे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत हाई ग्रेड कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारा प्राइज मनी भी होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप पहले कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगे और जीत जाओगे, बट अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते रहते हो, लेट्स से 6 months अगर आप ट्राई कर रहे हो, कॉलेज में 4th ईयर में हो, 1 साल आपने ट्राई किया, आई एम श्योर आप ग्रो करोगे उसमें। देर इज़ अ गुड चांस कि आप कभी top 5% टीम्स में आ जाओ। तो उस तरह का अचीवमेंट भी मेरे हिसाब से बहुत मैटर करता है। और भी कई एवेन्यूज़ है जहाँ पर इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, कंपनीज हैं जो डेटा साइंस रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करा
कराते रहती है या फिर हैकाथॉन्स कंडक्ट कराते रहती है। इनफैक्ट कॉलेज में जो फेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पर भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलेंगे। तो अगर आप अपने प्रोफाइल में एक या दो भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन और उससे भी अच्छा अगर आप विनिंग क्राइटेरिया ऐड कर पाओ कि आपने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, आप टॉप थ्री में थे, आपके मॉडल ने ये अचीव किया, दिस वॉज द एक्यूरेसी परसेंट, ये सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया विजिबिलिटी देगा। और इंटरव्यूअर के सामने भी जब आप ये बताओगे, आई एम रियली श्योर कि वो इस चीज़ को तो बहुत इज्जत देगा कि आपने 100 लोगों के कंपटीशन में, 200 लोगों के कंपटीशन में टॉप 5, टॉप 3 में आप लैंड किए। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड वे जहाँ पर आप रेलिवेंट एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। तरीका नंबर 4, टू गेन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सो आई एम श्योर आपने ओपन सोर्स के बारे में सुना होगा। ओपन सोर्स क्या होता है? सो इंडस्ट्री में बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कंपनीज नहीं बनाती, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल करके फ्री में बनाते हैं और उसको फ्री में ऑफर भी कर देते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसा ही है, ठीक है, पाइथन से लेके नमपाई, पैंडाज, ये जो भी लाइब्रेरीज आप यूज़ करते हो ये मोस्टली ओपन सोर्स लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, तो आज की डेट में इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप इस तरह के ओपन सोर्स लाइब्रेरीज में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर लेट्स से कल को आप इंटरव्यू में बैठे हो और आप मुझे बोलो कि गेस व्हाट, आई एम इन द कंट्रीब्यूटिंग टीम ऑफ पैंडाज, मैंने पैंडाज में ये पर्टिकुलर फीचर बनाया है, फॉर मी इट इज़ अ बिग डील कि पैंडाज प्रोजेक्ट में किसी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है और वो मेरी टीम के लिए काम करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आज की डेट में ऐसे भी बूम आया हुआ है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी एंड ऑल, हर अगले दिन नए नए ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सोर्स का बेसिक्स सीखना है। मैंने ऑलरेडी हमारे डेटा साइंस मेंटरशिप प्रोग्राम में एक दो क्लासेस ली थी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसके ऊपर। सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीखो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है, पूरा का पूरा ओपन सोर्स इकोसिस्टम काम कैसे करता है। एक बार जब आप ये समझ जाओ उसके बाद आपका काम है एक कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट खोजना जहाँ पर आप उसको टारगेट कर पाओ। इन माई रिकमेंडेशन बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे भी नहीं जाना है जो ऑलरेडी बहुत फेमस हो चुका है। आपको आइडेंटिफाई करना है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, एट द सेम टाइम थोड़ा फेमस है और उसको उसका ग्रो करने का चांस बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर आप घुस करके आप ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। द गुड पार्ट अबाउट ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज कि आपको कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं करना होता, आपको उस रेपोजिटरी में घुस करके बस देखना होता है कि वॉट आर सम एक्टिव इशूज़ जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और आप बस उसको सॉल्व करते हो। ठीक है, और अगर सामने वाले को वो समझ में आ गया और पसंद आ गया तो वो बेसिकली आपका जो सजेशन है, जो भी सोल्यूशन है, उसको इंटीग्रेट कर लेता है अपने प्रोजेक्ट में, एंड यू बिकम अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू द प्रोजेक्ट, और आप दिखाई देने लग जाते हो होम पेज पे उस प्रोजेक्ट के, एंड दैट्स इट। अगर आप इतना भी कर पा रहे हो, आप एक बहुत सिंपलिस्टिक सोल्यूशन के साथ भी अगर स्टार्ट कर रहे हो, आई एम श्योर दिस इज़ अ बिग फर्स्ट स्टेप। ठीक है, उसके बाद तो फिर द स्काई इज़ द लिमिट, आप और कितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हो कितने भी और प्रोजेक्ट्स में। बट या अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू बिकम अ गुड ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूटर, दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ प्रॉपर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। अगला तरीका है सर्टिफिकेशन एग्जाम्स देना। सर्टिफिकेशन एग्जाम्स क्या होते हैं कि कुछ बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, ये लोग कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं जहाँ पर वो आपसे एक एग्ज़ाम फी लेकर के आपको एक एग्ज़ाम में बैठने का मौका देते हैं, और अगर आप वो एग्ज़ाम क्रॉस कर लेते हो, पास कर लेते हो, तो आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है उस कंपनी की तरफ से कि आप इस पर्टिकुलर एक्स वाई जेड टेक्नोलॉजी में सर्टिफाइड हो बाय माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। तो डेटा साइंस की भी डोमेन में यू वुड फाइंड आउट, एक बार आपको बस गूगल सर्च करना है, एंड यू वुड फाइंड आउट अ लॉट ऑफ कंपनीज, दीज बिग कंपनीज, दे आर प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेशन। जैसे कि मेरे ही नॉलेज में आई कैन टेल यू, माइक्रोसॉफ्ट का एक अज्योर सर्टिफिकेशन है फॉर डेटा साइंस, IBM का डेटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, SAS का डेटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, इसके अलावा भी मैं अभी इस टाइम पे मुझे याद नहीं है, बट मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा कुछ सर्टिफिकेशन। बट या अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज, दीज ब्रांडेड कंपनीज, दे प्रोवाइड सर्टिफिकेशन, लाइक सर्टिफिकेशंस। सो अगर आप एक फ्रेशर हो जिसको लेट्स से इंडस्ट्री रेलिवेंट एक्सपीरियंस शो करना है, आई थिंक दीज सर्टिफिकेशंस कैन हेल्प यू बूस्ट योर प्रोफाइल इन फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यूअर। क्योंकि लेट्स से अगर आप Azure सर्टिफाइड हो या फिर IBM सर्टिफाइड हो, दैट विल एड सम फॉर्म ऑफ क्रेडिबिलिटी टू योर रेज्यूमे। ठीक है, क्योंकि एज अ इंटरव्यूअर आई वुड अंडरस्टैंड कि यार बंदे ने एक
प्रॉपर एग्जाम पास किया है, मतलब उसके अंदर नॉलेज तो होगा, ठीक है। द ओनली डाउन साइड इसकी थोड़ा कॉस्टली होते हैं ये एग्जाम्स। जैसे इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, अज्योर का जो सर्टिफिकेशन एग्जाम है दैट इज़ अराउंड $160, तो थोड़ा सा आपको एक अमाउंट देना पड़ता है और आपको ऑब्वियसली पढ़ के वो एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। बट या ये ब्रांडेड नेम्स अगर आपके रिज्यूमे में आ रहे हैं एंड इफ यू आर सर्टिफाइड बाय देम, आई एम श्योर यू कैन प्रेजेंट इट इन योर इंटरव्यूज एज वेल। अगला तरीका है freelance/startup। सो बेसिकली आपको डेटा साइंस आता है, लेट्स से थोड़ा डिसेंट लेवल पे आपको नॉलेज है, आप क्या कर सकते हो कि आप उस नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हो टू अर्न मनी। और आपका गोल ये नहीं है कि आप बहुत बड़ी कंपनी खोलो या बहुत बड़े फ्रीलांसर बन जाओ, बट आपका गोल ये है कि आप एटलीस्ट कुछ प्रोजेक्ट्स करके देखो, कुछ क्लाइंट्स हो आपके, कोई प्रोडक्ट हो आपका जिसको आप सेल कर रहे हो और लोग खरीद रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि आपको एक तरह से इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिलता है। यू कैन बिकम अ फ्रीलांसर, लेट्स से अब मैंने पर्सनली फ्रीलांसिंग नहीं किया इस डोमेन में, बट यू कैन बिकम अ फ्रीलांसर। देर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आपको डेटा एनालिसिस एंड लेट्स से डेटा साइंस रिलेटेड आपको टास्क मिल जाएंगे। जैसे कि लेट्स से कोई आपको क्लाइंट मिल सकता है जिसको अपने डेटा सेट के ऊपर एक पावर बीआई डैशबोर्ड बनवाना है या एक्सेल डैशबोर्ड बनवाना है, तो आप वो काम उसको करके दे सकते हो। या फिर लेट्स से कोई कंपनी है, उनको अपने वर्क फ्लो में डेटा साइंस इंक्लूड करना है, लेट्स से दे हैव अ वेबसाइट और उनको अपने वेबसाइट के डेटा के अकॉर्डिंग एक चैटबॉट चाहिए, ठीक है, तो इस तरह का काम आप करके दे सकते हो। ऑब्वियसली इसमें सबसे डिफ़िकल्ट काम तो टेक के अलावा जो है मेरे हिसाब से वो है क्लाइंट्स ला पाना शुरू में, बिकॉज फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्लाइंट्स ला पाना। शुरू में लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते बिकॉज आप नए हो, धीरे धीरे आप ट्रस्ट गेन करते हो। तो या सबसे डिफ़िकल्ट काम मेरे हिसाब से यही है क्लाइंट्स ला पाना। तो इधर यू कैन यूज़ सम प्लेटफॉर्म्स जो बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, और अगेन यू कैन यूज़ द सेम टेक्निक जो आप इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रहे थे। अपने लोकल सर्कल को बड़ा करो, अपना ब्रांड बनाओ लेट्स से लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे, और फिर उसके थ्रू आप क्लाइंट्स लाने की कोशिश करो। बट या हाथ पांव मारना पड़ता है। एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो स्टार्ट अ स्टार्टअप फ्रॉम योर कॉलेज या फिर आफ्टर कॉलेज। लोगों को बहुत डर लगता है कि यार हम स्टार्टअप करेंगे, फेल हो गया तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टार्टअप लर्निंग के लिए भी कर सकते हो। आई स्टिल रिमेंबर मैंने कॉलेज में एक स्टार्टअप किया था और मेरा जो फर्स्ट जॉब लगा था आउट ऑफ कैंपस, इट वाज मोस्टली बिकॉज ऑफ माय स्टार्टअप, बिकॉज मुझसे जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू में वो सब के सब स्टार्टअप से रिलेटेड ही थे। एंड द इंटरव्यूअर वाज सो हैप्पी कि मैं इतनी कम एज में स्टार्टअप कर रहा हूँ, ही एक्चुअली ऑफर्ड मी अ जॉब, ठीक है। तो यू कैन स्टार्ट अ स्टार्टअप। लाइक आज के डेट में तो आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। कुछ दिन पहले मुझे एक फ़ोन कॉल आया था, वहाँ पर एक फ्रेशर था आपकी तरह ही, एंड ही हैड दिस आइडिया कि वो एक कम्प्लीटली नया प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जहाँ पर यूज़र एक गाना प्रोवाइड करेगा, सॉन्ग, और एक एक टाइप ऑफ डांस प्रोवाइड करेगा, और वहाँ पे एक एक एवतार होगा, एक ह्यूमन शेप्ड एवतार होगा जो कोरियोग्राफी जनरेट करेगा उस गाने के ऊपर, ठीक है। सो आज की डेट में एक्चुअली ये बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं है। जनरेटिव AI आज की डेट में उस स्टेट में पहुँच चुका है कि एक्चुअली इसको किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। तो चलो ये फिर भी बहुत डिफिकल्ट आइडिया हो गया मे बी, बट अगेन कुछ एक वायबल सा आइडिया लेकर के आप एक स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो। मे बी यू कैन यूज़ अ क्रोम प्लगइन, आप कोई क्रोम प्लगइन बना सकते हो जो क्रोम में इंस्टॉल हो जाएगा और यूज़र्स को एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करेगा, और फिर आप उसके पेड सब्सक्रिप्शन के पैसे ले सकते हो। और लेट्स से आपको डेटा साइंस अच्छे से आता है, यू कैन स्टार्ट योर ओन इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टिंग देयर ओन इंस्टीट्यूट्स। सो बेसिकली वो भी एक तरीका है, जब आप इस रास्ते बढ़ते हो ना तो वो भी आप इंटरव्यू में बता सकते हो। एंड आई एम वेरी श्योर कि लोग ध्यान से सुनेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा फ्रीलांसर बन के या स्टार्टअप स्टार्ट करके। तो दिस कुड वन मोर वे, ठीक है। एंड द लास्ट टेक्निक अकॉर्डिंग टू मी इज टू पब्लिश रिसर्च पेपर्स। अब आई नो आपको लगेगा यार आई एम जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट और मे बी अ ग्रेजुएट, हाउ कैन आई पब्लिश पेपर्स? पेपर्स तो PhD स्कॉलर्स पब्लिश करते हैं। ऐसा नहीं है, आप इंडिपेंडेंट कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू आप भी पेपर्स पब्लिश कर सकते हो। पास्ट में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन लोगों ने पेपर्स पब्लिश किए हैं, एक या दो पेपर्स उन्होंने फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में पब्लिश कर लिया था, और आप उसके बाद भी इंडिपेंडेंटली पेपर्स पब्लिश कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट के अंडर रहकर ही करो। तो
अब आई नो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना साउंड करता है कि मैंने एक पेपर लिखा है. सो होता क्या है कि आपको बस एक पर्टिकुलर चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होता है, पढ़ना होता है, जानना होता है, और उस टॉपिक में फिर आप क्या करते हो, आप लूप होल्स खोजते हो कि क्या चीज़ है जो अभी तक अचीव नहीं हो पाई है. लेट्स से ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम है और इसका एक्यूरेसी इस पॉइंट पे लेट्स से 92% तक पहुंचा है, तो फिर आप समझने की कोशिश करते हो कि क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है ये एल्गोरिदम, और फिर आप उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के डायरेक्शन में काम करते हो. सो ऑनेस्टली एकेडमिक्स में, रिसर्च में आप एकदम कम्प्लीटली नया आइडिया लेकर के नहीं आते हो, आप एग्जिस्टिंग आइडियाज़ पे बिल्ड करते हो. तो आपको बेसिकली एक डोमेन का नॉलेज होना चाहिए और उस डोमेन में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें अचीव हो चुकी हैं, इसका नॉलेज होना चाहिए. गूगल स्कॉलर जैसी वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो ये पता करने के लिए कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर पेपर्स पब्लिश हो गए हैं हमारे डोमेन में और क्या क्या चीज़ें अभी भी एज चैलेंज कंसिडर की जा रही हैं, और फिर आप उस डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करके 6 महीने 1 साल अगर ट्राई करो तो यू कैन ऑल्सो पब्लिश योर ओन पेपर्स. ठीक है, अब आई एम नो एक्सपर्ट, मतलब मैंने कभी पेपर्स पब्लिश नहीं किए हैं, बट आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने पेपर्स पब्लिश किए हैं एंड व्हेन आई टॉक टू देम इट सीम्स पॉसिबल. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल लगता है, इट सीम्स पॉसिबल. तो डू सम रिसर्च इन दिस थिंग ऑल्सो कि कैसे पेपर्स पब्लिश किए जा सकते हैं. सो अगर आपका अकेडमिक इंटरेस्ट है, इंक्लिनेशन है, दिस कुड ऑल्सो बी अ वे. लेट्स से आपने एक पेपर पब्लिश कर दिया, इमेजिन जब आप इंटरव्यू में बात बताओगे कि आई एम अ कॉलेज ग्रेजुएट बट एट द सेम टाइम आई हैव ऑल्सो पब्लिश्ड अ पेपर, दैट इज अ बिग डील. ठीक है, और वो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की तरह काउंट होगा. ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जो मुझे लगता है कि इनमें से आप कोई भी एक तरीका अगर पकड़ के चलते हो और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हो तो आपको जॉब मिल सकता है. ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलता. मैं लिंक्डइन पे हूँ, एक्टिव, मुझे लोग मैसेजेस करते हैं, लोग कांटेक्ट करते हैं, स्पेशली जब उनका जॉब लग जाता है तो मैं उनसे बात करता हूँ कि आपने कैसे ये जॉब लिया है. ये जो सारे तरीके मैंने आपको बताए ये उन लोगों से बात करके ही मुझे पता चला. तो आप अपनी पर्सनालिटी, अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से इनमें से कोई एक चीज़ को आइडेंटिफाई करो, आप बोलो कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, और फिर उसमें आप लग जाओ. ठीक है, और फिर आप देखो कि कैसे 6 महीने 1 साल में आपको जॉब मिल जाएगी. ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता है कि आप पॉइंटलेसली बस पॉइंट ए से पॉइंट बी एप्लीकेशन मारते रहोगे, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता रहेगा और आप इवेंचुअली क्विट कर दोगे. ठीक है, उससे बहुत अच्छा है कि आप एक बड़ा गोल लो, उसको सॉल्व करो, और उसको सॉल्व करने के प्रोसेस में यू वुड सी यू विल गेट योर जॉब. ठीक है, सो आई होप ये वीडियो थोड़ा काम आया आपके, कुछ आप समझ पाए और कुछ आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा. इफ़ सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.